हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दीपों की झिलमिल रोशनी से नहाई तापी बावड़ी। तापी बावड़ी के 400वीं वर्षगांठ पर दीपदान के एक अनूठा कार्यक्रम राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास के मुख्य आतिथ्य तथा पुराविद नाहर सिंह जसोल के विशिष्ट आतिथ्य में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया गया। ये बावड़ी दीपों की झिलमिल से नहा उठी। लोगों में बावड़ी के संरक्षक के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से आयोजित दीपदान कार्यक्रम में लोगों ने हजारों की संख्या में यहां दीप जलाए, साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पूजा अर्चना की। इस बावड़ी का निर्माण नाथोजी व्यास के विक्रम संवत 1671 के आरंभ करवा 1675 में पूरा कराया था। नाथोजी व्यास महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे, जबकि नाथोजी के बड़े भाई जुझार वीर गिरधर राज राव अमर सिंह राठौड़ के दीवान थे और वे राव जी की हत्या के पश्चात आगरा किले के बाहर शाही सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। आज इन दोनों के भाइयों के वंशज जोधपुर में नथावत व्यास और गिरधर रावत व्यास के रूप में जाने जाते हैं। जिस कालखंड में इस बावड़ी का निर्माण हुआ था तब 250 फीट लंबी, 40 फीट चौड़ी और 360 फीट गहरी थी और ये बावड़ी मारवाड़ का सबसे बड़ा जल स्रोत थी। आज जोधपुर शहर में मौजूद दूसरे सारे जल स्रोत इस निर्माण के बाद में निर्मित हुए। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।